नमस्कार, घर का जायका विद खुशबू में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सोयाबीन पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इसे एक बार अपने घर पे बनाएंगे तो आप नॉनवेज पॉपकॉर्न खाना भूल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। और मैंने इसके सारे इंग्रेडिएंट्स को लास्ट में नोट कर दिया है, तो आप मेरी वीडियो को इन तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको यहाँ पर दो तरह की पॉपकॉर्न की रेसिपी बताऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैन को गैस पे इंडक्शन पे रख देते हैं गर्म होने के लिए, और हम आगे की तैयारी करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बर्तन लेंगे और बर्तन में बॉइल किया हुआ सोयाबीन ऐड करेंगे। ये सोयाबीन को मैंने 2 कप सोयाबीन लिया है और इसे नमक के साथ बॉइल कर दिया है। इसे हम बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हम इसमें मसालों में सबसे पहले हम इसमें नमक ऐड करेंगे, फिर हम इसमें लाल मिर्च ऐड करेंगे, फिर हम इसमें जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और हल्दी ऐड करेंगे। और इसकी एक ख़ास इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे, वो है इसमें हम मसाला पॉपकॉर्न। इसकी रेसिपी देखनी है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। और फिर हम इसमें फेटा हुआ दही ऐड करेंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स मिक्स। जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तब हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे क्रश कर कर। इससे एक अच्छी फ्रेग्रेंस आएगी और इसे हम भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और हम आगे की तैयारी करते हैं। तो आगे की तैयारी करने के लिए हम यहाँ पे 2 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें हम 2 या 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बैटर ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए, बैटर ऐसा होना चाहिए। और साथ में ही हम ब्रेड क्रम्स रख लेंगे और कढ़ाई को चेक कर लेंगे कि वो गर्म है या नहीं। अब हम इसमें तलने के लिए इसमें 1 पॉपकॉर्न ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे घोल में डिप करेंगे और फिर उससे ब्रेड क्रम्स से कोटिंग कर देंगे। पहले हम एक चेक कर लेते हैं और इसे हम फ्राई कर लेंगे। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसे हम टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे और साथ में ही आगे का प्रोसेस उसी तरह से हम कर लेते हैं और इसे एक प्लेट पर निकाल लेंगे। सभी को मैंने एक साथ कर लिया है और सबको मैं एक साथ फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डिप कर देती हूँ। और इसे जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो ना जाए। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। पहला मेथड से पॉपकॉर्न रेडी है। अब मैं आपको दूसरा मेथड से पॉपकॉर्न बनाना बताती हूँ। हम उसी बैटर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। पानी की कुछ बूंदे छींटे मारेंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये अब मिक्स हो गया। अब हम इसे साइड में रख देते हैं और इसे हम फ्राई करते हैं। हॉट ऑयल में एक एक कर हम इसे डीप फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने पे पैसा नहीं लगता। और वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और अपने फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर इसे ज़रूर कीजिएगा। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे।
इसी तरह से हम सारे पॉपकॉर्न को फ्राई कर लेते हैं। पॉपकॉर्न देखने में लग रहा है ना सुंदर, क्योंकि घर का जायका भी खुशबू में जो दिखता है वही पकता है। अब पॉपकॉर्न रेडी है, अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं। इसे हम एक दोना में निकाल लेंगे। अब ऊपर से चाट मसाला और हरी मिर्च ऐड करेंगे। पॉपकॉर्न इज रेडी। अब मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। इट्स टू यम्मी। सच में पॉपकॉर्न बहुत अच्छा बना है। यकीन नहीं होता तो आप मेरे मेथड से एक बार इसे ज़रूर बनाइएगा और अपने बच्चों को खुश कीजिएगा। और हमें कमेंट करके बताइएगा कि हमारी कौन सी मेथड आपको अच्छी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कनौजिया खुशबू 1 2। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप मेरे चैनल पर आ गए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए, क्योंकि अपना भारत स्वच्छ भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड नमस्कार।